प्राचीन स्वर्ण भूमि थाईलैंड में आप सबके बीच आकर के ऐसा लग रहा है कि आपने इस स्वर्ण भूमि को भी अपने रंग से रंग दिया है। ये माहौल, ये वेशभूषा हर तरफ से अपनेपन का एहसास दिलाती है। अपनापन झलकता है। आप भारतीय मूल के हैं सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि थाईलैंड के कण कण में, जन जन में भी अपनापन नजर आता है। यहां की बातचीत में, यहां के खान पान में, यहां की परंपराओं में, आस्था में, आर्किटेक्चर में कहीं न कहीं भारतीयता की महक हम जरूर अनुभव करते हैं। साथियों, पूरी दुनिया ने अभी अभी दीपावली का त्यौहार मनाया है। यहां थाईलैंड में भी भारत के पूर्वांचल से भी काफी संख्या में लोग आए हैं। और आज पूर्वी भारत में और अब तो करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं भारतवासियों के साथ ही थाईलैंड में रहने वाले अपने सभी साथियों को भी छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, थाईलैंड की यह मेरी पहली ऑफिशियल यात्रा है। 3 साल पहले थाईलैंड नरेश के स्वर्गवास पर मैंने शोक संतप्त भारत की ओर से यहां रूबरू में आकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और आज थाईलैंड के नए नरेश के राजकाल में और मेरे मित्र प्रधानमंत्री प्रचुत यान ओज के निमंत्रण पर मैं भारत आसियान समिट में भाग लेने आज यहां आया हूं। मैं संपूर्ण राज परिवार, थाईलैंड साम्राज्य की सरकार और थाई मित्रों को भारत के 1.3 बिलियन लोगों की ओर से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, थाईलैंड के राज परिवार का भारत के प्रति लगाव हमारे घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है। राजकुमारी महाचक्री स्वयं संस्कृत भाषा की बहुत बड़ी विद्वान है और संस्कृति में उनकी गहरी रुचि है। भारत से उनका आत्मीय नाता बहुत गहन है, परिचय बहुत व्यापक है।
और हमारे लिए सौभाग्य बात है कि पद्म भूषण और संस्कृत सम्मान से भारत ने उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। साथियों, क्या आपने सोचा है कि हमारे रिश्तों में इतनी आत्मीयता आई कैसे? हमारे बीच संपर्क और संबंध की इस गहराई का कारण क्या है? यह आपसी विश्वास, यह घुल मिलकर रहना, यह सद्भाव, ये आए कहां से? इन सवालों का एक सीधा सा जवाब है। दरअसल हमारे रिश्ते सिर्फ सरकारों के बीच के नहीं है और न ही किसी एक सरकार को इन रिश्तों के लिए हम कह सके कि इस समय हुआ, ऐसा भी नहीं कह सकते। हकीकत तो ये है, इतिहास की हर पल ने, इतिहास की हर तवारीख ने, इतिहास की हर घटना ने हमारे इन संबंधों को विकसित किया है, विस्तृत किया है, गहरा किया है और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।